कौन कौन सी बिरयानी मशहूर है? नसीब बिरयानी है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन बस बिरयानी होनी चाहिए, हाँ वो किसी भी तरह की हो, नसीब हो, बदनसीब कराची वाला तो बिरयानी के बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने जब एक खातून से, जब मैं वहाँ पे था, मैंने दाल मंगवाई उनसे, तो उन्होंने इतनी सारी दाल भेज दी मुझे, इससे कम में तो हो नहीं सकती, और वो तकरीबन मुझे दो हफ्ते खानी पड़ी, खाए तो नहीं सका। बिल्कुल ऐसा ही, मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून थी, मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना सासों का, वैसी नहीं थी, बहुत हेल्पफुल। और एक औरत अगर आपकी सास है और वो ये कहती है कि जी इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं इसको लेकर, अल्लाह क्या जवाब दे, मैं हूँ, अगर ये रोती है या किसी तकलीफ़ में है मेरी बहू, तो मैंने ये कहीं नहीं सुनी। पा मर्द जो है वो सुपीरियर है, अल्लाह ने उसको बनाया है, वो बिल्कुल है, लेकिन खवातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को इतना अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो एक जगह बंद के बैठ जाए। में एक दिन दाल चावल बहुत ज़रूरी है, अच्छा। वरना लोग नाराज़ हो जाते हैं। और एक दाल चावल और एक बिरयानी, बिरयानी के लिए तो कराची के लोग बहुत सीरियस हैं। सिर्फ खाना मेरे हस्बैंड ने खाया और किसी ने नहीं खाया, उन्होंने खाना खाया है और कहने मेरी तबीयत घबरा रही है। मैंने कहा रुक जाए, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देती हूँ, शायद कुछ बेहतर हो। मैं कोल्ड ड्रिंक लेने किचन में गई हूँ, मेरा बेटा उनके साथ था, उन्होंने खुद उठ के बॉटल उठाई, पानी पिया, जाके अपनी जगह पे बैठे हैं और ख़त्म हो गया। और अब यकीन करें मैं कमरे में गई हूँ, ख़त्म, मैं उन्हें उठा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उस पर भी मुझे सुनने को मिला कि जी मैंने उल्टी सीधी दवाइयाँ दे के अपने हस्बैंड को मार दी, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं 18 साल तक तो नहीं रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मुस्तफा अयूब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। हम पॉलिटिशियंस को यहाँ बुलाते हैं, मुख्तलिफ दिगर इदारों के लोगों को बुलाते हैं, हमने बिजनेस मैनों को भी बुलाया है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक खातून से करवा रहा हूँ जो कि एक बहुत अच्छा किचन चलाती हैं, उनके खानों में बहुत ज़ायका है और वो उस ज़ायक़े की वजह से अपना घर भी चला रही हैं, लेकिन उस जायके तक पहुंचने में एक स्टोरी है जो हम इनसे सुनेंगे, और वहाँ तक वो पहुंची कैसे, और उसके बाद वो आज कामयाब कैसे हुई, और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है जिसका वो बताएंगी हमें। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आयशा कामरान जी, MM किचन जी, ये क्या क्या पका लेती हैं आप? सर सारी चीज़ें बना लेते हैं हम, दाल चावल चाहे, बिल्कुल सब, बेकिंग है, सारी जितने भी कुकिंग आइटम्स हैं। हम सुनते ही बेकिंग वगैरह से शुरू करते हैं, दाल चावल पे कोई बात नहीं करता। दाल चावल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। उसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है, दाल चावल बिल्कुल नहीं। हफ्ते में एक दिन अगर दाल चावल, चटनी, अचार ना हो तो आपकी मील्स तो अधूरी है, किचन आपका खत्म हो गया। किचन खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास जो डिमांड आती है वो कभी आती है दाल चावल की? बिल्कुल आती है, हफ्ते में एक दिन दाल चावल बहुत ज़रूरी है, अच्छा। वरना लोग नाराज़ हो जाते हैं। और एक दाल चावल और एक बिरयानी, बिरयानी के लिए तो कराची के लोग बहुत सीरियस हैं। एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, हमारा एक ऑफिस का खाना जाता था, उनकी बिरयानी उस दिन थोड़ी सी ना सही नहीं बनी थी, तो वो नाराज़ हो गए, इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा हम डिस्कनेक्ट करें खाना ही, मतलब इतने सीरियस हैं लोग बिरयानी को। हाँ बिरयानी तो हमारी है, वो कौन कौन सी बिरयानी मशहूर है? नसीब बिरयानी, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन बस बिरयानी होनी चाहिए, हाँ। वो किसी भी तरह की हो, नसीब हो, बदनसीब, कराची वाला तो बिरयानी के बगैर बिरयानी के बगैर नहीं रह सकता। आपके जो क्लाइंट है, जो आप बेचती हैं खाना, मतलब घर में आप पका रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वो टेस्ट आपने डेवलप किया या आपका टेस्ट पहले से ऐसा था? अच्छा, मैं जो टिपिकल जो हमारा फूड होता है, मैं उसी तरह से वही मसाले जो चले आ रहे हैं शुरू नानी दादियों के स्टाइल के, हमने उसी से बनाया। उसके बाद जो समझे जो न्यू जनरेशन है, मेरा बेटा जब थोड़ा सा कुकिंग में इंटरेस्ट हुआ उसका, तो उसने काफ़ी चीज़ों को जो है वो डिफरेंट टेस्ट दिया। मतलब बेटे भी आपके साथ काम जी? बिल्कुल, मेरे हम एज अ टीम काम करते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी हेल्पर की। CEO इसमें टीम में आप ही हैं? जी बिल्कुल मैं ही हूँ। जी बिल्कुल मैं ही हूँ। लेकिन बात ये होती है कि आप फॉलो करें किसी की बात को ना, और आजकल की जनरेशन में बिल्कुल नहीं है सब्र, पेशेंस बिल्कुल नहीं है इन लोगों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को और फॉलो करते हैं जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूँ उसको। तो वैसे आपके जो खाने जाते हैं हफ्ते में मुख्तलिफ इदारों में भी जाते हैं? मेरे पास डेली जो है हमारी मील्स होती हैं, डेली होती हैं जी, डेली कभी 8 होती हैं, कभी 10 होती हैं, किसी ऑर्डर का आ जाए, अगर किसी ऑफिस का आ जाए तो उसमें फिर वो बढ़ जाती है। बाकी जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आते हैं, अच्छा बहरिया मेडिकल जो है उसकी बच्चियां बहुत पसंद करती हैं मेरा खाने, तो वहाँ से जब इस तरह से होता है कि कोई एक ऑर्डर करती है तो मैं कहती हूँ नहीं, 5-6 और ऑर्डर्स जो हैं आप जमा कर लो ताकि आप लोगों को DC जो है वो मुनासिब पड़ जाए, क्योंकि अब एक 500 के लिए कोई 400 DC के पे करे तो मैं कहती हूँ ये गलत है।
तो इस तरह से ये वहाँ की बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं कि वो अपने घरों से दूर हैं, उनको घर का नहीं, मेडिकल की फील्ड में वो पढ़ने के लिए आई है, वो कैसे पकाएंगी। अच्छा ठीक है, तो कोई ऐसा आपका सिस्टम हो गया, आओ बच्चियों में तुम्हें सिखा भी देती हूँ क्या, याद करो ये कहाँ सिखाई उनके पास। तो वो कहती है आंटी वो हमें तो ना राइडर आएगा तो टाइम ही नहीं, आप उसको बोले वो रिसीव कर ले, वो उसको बोले वो रिसीव, मतलब इतना बच्चे जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं पढ़ाई के, पढ़ाई बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, अब वो घरों से अपने दूर बैठी हुई हैं तो वो जाहिर है अपने घर का खाना तो सभी मिस करते हैं। बिल्कुल घर का खाना आप खा देती हैं जी, बिल्कुल। मैंने भी मिस किया है, जब मैं सऊदी अरब में था तो बाहर से खाने खाता था। हाँ तो फिर आप मुझे बताइए घर का जो खाना है उसकी जो एक नीड होती है ना वो पूरी नहीं होती जब तक आप खाना ना। बहुत पड़ता है, मतलब मुझे नहीं पता आपके रेट क्या है, बड़े मुनासिब रेट में बिल्कुल जायज प्रॉफिट पे काम। क्योंकि वो मैंने जब एक खादिम से जब मैं वहाँ पे था, मैंने दाल मंगवाई उनसे, तो उन्होंने इतनी सारी दाल भेज दी मुझे, लगा इससे कम में तो हो नहीं सकती, और वो तकरीबन मुझे दो हफ्ते खानी पड़ी, खाए तो नहीं सका घर की बातें, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने नहीं ऐसे मजबूर नहीं, तो जिस तरह से हमारे पास तो जैसे ऑर्डर आता है कि पर सर्विंग है, चार लोगों की सर्विंग है, या वह केजी में कुछ की पार्टीज वगैरह होती हैं तो उसका तो केजी में ही आता है, तो उस जितना आता है उसके हिसाब से देते हैं। हाँ बाकी ये कि मीठा मैं अपनी तरफ से ज़रूर देती हूँ, इसलिए कि मुझे खुद बड़ा पसंद है मीठा। अच्छा। तो मैं कहती हूँ लोग खाएं खुश हों, वो आपकी तरफ से जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मंगवाना पड़ेगा आपसे जी, फर्स्ट टाइम जो कोई मंगवाते हैं उसके तो है, और बाकी हफ्ते में एक दिन हमारा मीठा ज़रूर होता है। चलें उम्मत में इंशाल्लाह आपसे मंगवाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जैसे ये पेशन है आपका, आप शौक़ था एमएम किचन आपने जो कायम किया, एमएम का क्या मतलब है इसे? मैंने अपने बेटों के नाम पे रखा है। क्या नाम? मुबीन अब्दुल मुही और मुबीन अहमद। अब्दुल मुही जी, मुबीन और मुही, मुही अब्दुल मुही। अच्छा, तो मैंने अपने बेटों के नाम पे रखा है। अच्छा, एमएम इसके नाम से रखा है जी, एमएम किचन। बेटों को आपने कारोबार करके दे दिया? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बेटे आपके खुद पकाते भी हैं? हाँ, छोटा वाला बेटा तो नहीं पकाता, लेकिन बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी, समझे अभी लास्ट मंथ मेरा बीपी जो है वो 230 तक पहुँचा हुआ था, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन मेरी मील्स नहीं रुकी, वो दो दिन मेरे बच्चों ने खाना भी बनाया है, दो आइटम्स, और विद रोटी, घर की चपाती जी, बिल्कुल घर की चपाती जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही पैक करके, मतलब मुझे कहीं से कंप्लेन नहीं आई कि जी खाने में कुछ गड़बड़ थी। उन लोगों को पता चला कि बनाया नहीं, उनको फिर बाद में पता चला। अरे बाद में हम बता रहे हैं आज नहीं, मैंने उन्हें जब बताया कि जी खाने में कोई कंप्लेंट, उन्होंने कहा नहीं खाना सही था। तो मेरे बड़े बेटे ने, छोटा वाला डिलीवर करके आया, और बड़े बेटे ने सारी चीज़ें। वैसे ये हमारे सुनने वालों के लिए बड़ी अहम बात है कि हम कहते हैं लड़के काम क्यों करेंगे, लड़के तो यहाँ रोटी पका रहे हैं भाई। नहीं नहीं, लड़के काम ज़रूर करेंगे भाई, लड़के काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, खवातीन तो करती ही हैं, लड़कों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मेरा शुरू से ये था कि बच्चे स्कूल से आते थे तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी कि अपने शूज़ जगह पे रखो, अपने बैग, वरना मैंने और दूसरी माओं को देखा है कि वो वैन में भी बच्चों को बिठा रही हैं तो बैग वो खुद ही हैंग करती हैं, शूज़ पहनाती हैं, लेसेस बांधती हैं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आपका काम है, पढ़ना है, आपने आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को शुरू से ये तौर दिया कि अपने काम आपने खुद करने, बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा की, बिल्कुल ऐसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि माँ बाप सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहते, हर चीज़ आपने खुद देखनी है अपनी, तो बेहतर है कि जिम्मेदारी शुरू से डाल दी जाए उन पर ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा वैसे आप शायद कौन सा खाना हम कहेंगे यार बहुत ज़बरदस्त है ये, तो मैं ये बनाती हूँ ना, ये तो बस लोग चाटते रह जाते हैं। हांडी कबाब बहुत मेरे पसंद करते हैं लोग, हांडी कबाब, चिकन हांडी कबाब बहुत पसंद करते हैं, बाकी बोनलेस हांडी बहुत पसंद की जाती है, और वाइट कढ़ाई, अरे हम में पानी आ रहा है भाई, मतलब वाइट कढ़ाई बहुत पसंद करते हैं लोग। अच्छा, अरे ये शुरू कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई एमएम किचन की आपकी, और कब शुरुआत? ये तो बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता दूँगी। मेरे हस्बैंड का तो शोरूम था वो, जो बहुत अच्छा काम उनका सेटअप था, फिर सडनली जो है वो मेरे बेटे की पैदाइश के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा, मेरी सास जो है उन दिनों तब्बा हॉस्पिटल में थी, वो कोमा में थी, और मेरा फिर ऑपरेशन, मेरे ब्लड अरेंज करने के लिए मेरे हस्बैंड गए आगा खान हॉस्पिटल, वहाँ से जी खबर आती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वो हेड इंजरी पेशेंट कहलाए, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे, वो भी वेंट पे रहे, फिर उसके बाद और मैंने, आप हॉस्पिटल में थी? जी मैं भी हॉस्पिटल में थी, उधर से उनकी वालदा भी हॉस्पिटल में थी? जी उनकी वालदा भी हॉस्पिटल में थी।
फिर दूसरे 3 दिन बाद जो है मैं हॉस्पिटल में रह गया। जब मेरा बीपी नॉर्मल हुआ तो मेरा बेटा हुआ छोटा अब्दुल मुहीद। फिर मैं जब घर शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ से डिस्चार्ज होकर जब मैं अपने घर आई हूँ, तब मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि जी आपकी मदर इन लॉ की भी, मतलब मेरी मदर इन लॉ की उस दिन डेथ हुई। और उसके 20 मिनट बाद आगा खान हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जी कामरान साहब को होश आ गया। तो एक मिरेकली सिचुएशन कुछ थी ये। और उसके बाद कोई 15-20 दिन बाद जो है वो समझो उनका वेंट निकला है और उन्होंने रिएक्ट किया है। और लेकिन डॉक्टर्स ये कहते थे कि ये निवाला नहीं चबा सकते, बात नहीं कर सकते, और जैसे हैं ये वैसे ही, मतलब समझ लें आप 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो उनकी कंडीशन थी। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात है? ये कोई 18-19 साल हो गए। मेरा बेटा अब मैट्रिक में है, उसकी पैदाइश से 1 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। सिचुएशंस हैं और ये चीज़ ऐसी है कि अगर कभी मुझे ख्वाब में भी आ जाए ना, तो आप यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं उठ जाती हूँ। सरदार बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे एक आपके, एक छोटा बिल्कुल ही न्यू बॉर्न। फिर मेरी सास का इंतकाल, मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून थी, मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना सासों का, वैसी नहीं थी, बहुत हेल्पफुल। और एक औरत अगर आपकी सास है और वो ये कहती है कि जी इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं इसको लेकर, अल्लाह क्या जवाब दे मैं हूँ अगर ये रोती है, ये किसी तकलीफ़ में है मेरी बहू, तो मैंने ये कहीं नहीं सुनी बात। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी खातून थी। तो बस फिर वो भी नहीं रही, फिर हमारी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि जी मैं खुद अपना काम स्टार्ट करूं। फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आया घर के अंदर, बिल्कुल। तो आपके जो, आप क्या जॉइंट फैमिली में रहती थी या अलग रहती थी? नहीं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। आज भी? जी आज भी मैं वहीं हूँ, उसी घर में हूँ। और अच्छा। वो एक अलग स्टोरी है। और मतलब वहाँ से भी प्रेशर आता था कि जी जो यूटिलिटी जो बिल्स हैं आप वो उसमें शेयर करें। अब मेरे पास एक इनकम नहीं है, आप देख रहे हैं कि आपका भाई जो है वो बेड पर है टोटली। उनको ये भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वो बच्चों के नाम भूल जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल होता था। मेडिसिन्स पे थे, ठीक है, उन्हें डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी हुई थी कि मतलब मोर देन एक्टिव ना, वो सोने के अलावा पूरी रात वो ऐसे, मैं रूम जो है वो लॉक करके चाबी छुपा दे देती, मतलब वो कमरे में चारों तरफ बस घूमते रहते थे, चलते रहते थे, एक्टिव उनको इतना रहना था। तो ऐसी कंडीशन में कोई काम तो कर नहीं सकता, मैं बाहर निकल के काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने घर से जो जी काम शुरू करूँ। और कुकिंग का मैंने कोर्स किया था शादी से पहले, तो वो काम आ गया हमारे काम। अब काम मैंने अकेली होंगी, बिल्कुल अकेली है। मैंने केक्स से स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ केक्स वगैरह को कोई ऑर्डर होता था मैं वो करती थी। फिर मैं डेली मील्स पे भी आई, अब वो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से। अच्छा, 18-19 साल पहले अगर आप बात करते हैं तो आपने शुरू किया तो उस वक्त ये जो आजकल व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ये सहूलत उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी? नहीं थी। तो उस वक्त आप कैसे अपने लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाते थे? जो मेरे कॉन्टैक्ट थे मैंने उनमें बोलना शुरू किया कि जी मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि लोगों ने मुझे बड़ी हेल्प की। अगर आपको कोई एक ऑर्डर भी देता है आप पे ट्रस्ट करके, तो वो मैं यही कहूँगी कि उसने आपको हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए, उसने आपको सपोर्ट दी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया। तो बस इस तरह से चला। अब अभी भी हम वहीं खड़े हैं, उसी घर में हैं। वो मैंने अपने शेयर के लिए केस भी किया हुआ है, बट आज जी बिल्कुल 6-7 हो गए साल, आज भी हम वहीं हैं। तो वहाँ पे आपकी मतलब आपने काम शुरू किया, आप आगे बढ़ी, तो आपने फिर अपने साथ लोगों को मिलाना शुरू किया, मतलब काम किया, जब काम बढ़ा है तो लोगों की ज़रूरत हुई आपको? नहीं, हाँ ज़रूरत तो हुई, लेकिन वही बात है ना, फाइनेंशली हम किसी को तो रखेंगे अपने साथ हेल्प के लिए तो हमें उसे पे करना है। मैं तो इवन राइडर भी नहीं रखा, मैंने अपने हस्बैंड को, वो थोड़े से बेहतर हुई उनकी कंडीशन, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप निकलें घर से, किसी बच्चे को ले जाते थे साथ, या मैं उनके साथ जाती थी। फिर अपना सारा जी बिल्कुल अपना सारा काम ख़त्म करके मैं उनके साथ जाती थी, सारी जो मील्स हैं हम डिलीवर करते थे, फिर उसके बाद हम घर आ, बच्चों को घर छोड़ के जाते थे। तो ये कि बच्चों ने भी, वो कहते हैं ना, एक परेशानी है, एक मुश्किल है, तो आपका पूरा घर आपके साथ है और सब सर्वाइव करते हैं, एक बंदा नहीं करता। तो बस इस तरह से करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए। अभी लास्ट 2.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है।
और वो भी मैं आपको बताऊं, बकरीद के बाद बच्चों ने बारबेक्यू पार्टी अरेंज की थी घर में। बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी जो 2 साल पहले ना, तो मेरे ख्याल से कोई 11:30 बजे का टाइम था, और सारी अरेंजमेंट उन्होंने की, कबाब पराठे ये वो बच्चों के लिए, सारी कोल्ड ड्रिंक सब लेकर आए तेज़ बारिश में जाके, और फिर सब बच्चे जमा हुए, उन्होंने बारबेक्यू बनाया। और उस दिन आप बिलीव करें, सिर्फ खाना मेरे हस्बैंड ने खाया और किसी ने नहीं खाया। उन्होंने खाना खाया है और कहने मेरी तबीयत घबरा रही है। मैंने कहा रुक जाए, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देती हूँ, शायद कुछ बेहतर हो। मैं कोल्ड ड्रिंक लेने किचन में गई हूँ, मेरा बेटा उनके साथ था, उन्होंने ख़ुद उठ के बॉटल उठाई, पानी पिया, जाके अपनी जगह पे बैठे हैं और ख़त्म हो गए। मैं सिर्फ किचन से, और मेरे बेटे ने आके मुझे बोला कि मम्मा बाबा है ना वो, उनकी सांस उखड़ रही है। तो बच्चे जो बारबेक्यू बना रहे थे सहन में, वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया इसका, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। और आप यकीन करें मैं कमरे में गई हूँ, ख़त्म, मैं उन्हें उठा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उस पर भी मुझे सुनने को मिला कि जी मैंने उल्टी सीधी दवाइयाँ दे के अपने हस्बैंड को मार दिया। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं 18 साल तक तो नहीं रहती उनके साथ, बिल्कुल। तो बस ये, हम किस माशरे में रह रहे हैं, लोगों के रवैये आपके साथ कैसे रहते हैं? लोगों के जो घर के लोग हैं उनके तो रवैये बहुत ख़राब है, अभी तक भी ऐसे है कि मेरे बच्चों को गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना उनसे, उनको नमक हराम बोलना। तो मैं कहती हूँ आप बच्चों के मेंटली स्टेटस को बर्बाद कर रहे हैं, जो एक डेवलप होने वाली चीज़ है आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं उन सबसे बहुत दूर रखती हूँ अपने बच्चों को, बल्कि वो खुद ही मिलना पसंद नहीं। मेरे हस्बैंड को ग्रुपिंग करके जो है वो मारा जाता था, टॉर्चर दिया जाता था। कौन मारता था? उनके भाई के यहाँ से चले जाएंगे, हमें शेयर ना देना पड़े। वो कहते थे कि हमने इसके इलाज पर खर्च कर दिए पैसे, तो अब इसका कोई हिस्सा नहीं बनता, जबकि जो उन्होंने खर्च किए वो हम उन्हें वापस कर चुके हैं। उसके बाद वो कहते नहीं अभी तो हमारे पैसे बाकी हैं। जी, जबकि गाड़ी है, बाइक है, वो सब चीज़ें वो बाली बाला ख़त्म कर चुके हैं। गाड़ी, बाइक, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी मेरे ससुर की, वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं एक लिस्ट लेके, तो उसमें से सिर्फ 2 बचती हैं कि जी ये सिर्फ ये 2 हैं, बाकी सब ख़त्म हो गई, दुनिया से मिट गई। आपने काम स्टार्ट लिया, अब आगे बढ़ी, अब फिर आपने बल्कि वो बाहिम्मत खातीन के हवाले से भी जी बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है। ये बाहिम्मत खातीन या बाहिम्मत औरतें यही है? जी बिल्कुल, ऐसी ही बाहिम्मत औरत। बाहिम्मत औरत ये क्या है? ये मुझे अपनी स्टोरी से मुझे एक जहन में आया कि यार ऐसी खवातीन जो बहुत मुश्किल फेस करती हैं, जो मैं कर चुकी हूँ, तो हम उनके लिए कुछ स्टेप ले सकें, तो फिर हमने ये वाली चीज़। और इसके अंदर एक है हमारे सर, कहती हूँ मैं उन्हें, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके लिए आसानी हो, उनके लिए वेकेशनल प्रोग्राम है या उनके लिए कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है हम कर सकें उनके स्टार्टअप के लिए, तो इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म लिया। जी सर, जॉनी टाउन वहाँ पर हमारा है, वेकेशनल सेंटर भी है, 2 साल से वो चल रहा है वहाँ पर, काफ़ी लोग जो हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं वहाँ से, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को सपोर्ट मिले तो आगे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। क्या क्या सिखा रही हैं वहाँ पर एक औरत, तो क्या कुछ क्या क्या स्किल्स दे रही हैं? जी वहाँ पर IT कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स है, राइटिंग स्किल्स हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा अपना स्टार्ट करना चाहता है सेटअप, घर से करे या जो भी, तो हम उन्हें लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जो खातीन आती हैं, आप तक कितनी खातीन हैं जो आपको आ चुकी हैं? अरे इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं मैं आपको आइडिया दे सकती, लेकिन काफ़ी आती है, 50-60 तो हमारे पास मतलब एक नंबर है जो हम जी जो हमसे कनेक्टेड है, और इसके अलावा हमारी टीम है तो वो भी हमारे साथ है। आप लोग यानी कि जो खातीन आती हैं आपसे मिलती हैं, आपकी खुद की स्टोरी है बहुत? नहीं सबको तो नहीं, नहीं सबको तो नहीं पता। हाँ लेकिन जो खातीन आती हैं वो तो आपको स्टोरी सुनाती होंगी ना आपको? हाँ बिल्कुल, उनके सबके साथ कोई ना कोई है, लेकिन स्टोरी हर शख्स के साथ एक स्टोरी है अटैच, बिल्कुल उनके साथ वही हैं जो रेगुलर होती हैं कि जी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हस्बैंड का काम नहीं है, इन लॉज के साथ डिस्प्यूट हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हैं उनके साथ भी जो बेसिक हमारी हैं। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ ना एक खवातीन लड़कियों को लेके, बच्चियों को लेके
हमारी जो तरबियत दी जाती है ना कि जी आपने, वो एक पैदा होती है बच्ची, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको बताया जाता है जी तुमने दूसरे घर जाना है तो किसी के घर जाके आपने यूँ करना है, चुप रहना है, हमारी यहाँ की तरबियत बहुत गलत है। और मैं ख़ुद भी कहूँगी कि अगर शायद हमें भी अच्छी तरबियत मिल जाती इस तरह से कि आपने कुछ करना है, आप अपनी बेटियों को तरबियत ये दें कि आप उन्हें पढ़ाई तो करवाएं लेकिन उनको कोई हुनर ज़रूर सिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है आप, ताकि वो कभी कोई अच्छा बुरा वक्त है वो किसी के साथ भी हो सकता है तो वो खड़ी हो सकें, निकल सकें घर से। हमारे यहाँ बाउंड्रीज दे दी जाती हैं कि घर से नहीं निकलना है, आपने ये नहीं करना है, आपने अपने हस्बैंड बिल्कुल सुननी है। देखिए मर्द जो है वो सुपीरियर है, अल्लाह ने उसको बनाया है, वो बिल्कुल है, लेकिन ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को इतना अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो एक जगह बंद के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी कॉन्सेप्ट तो यही है ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या फिर बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि अगर तुम गई हो तो बस तुम्हारी मैयत ही आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वो, हमारी लिमिट्स है ना, आप लिमिट्स बताएं उनको, लेकिन कैद नहीं करें, उन्हें कैद नहीं करें कि वो आगे उनका जहन जो है वो कैद हो जाए कि बस हमने यही करना है, जीना है मरना यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर एकदम से कोई हालात अप एंड डाउन आते हैं तो फिर बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाती है, लड़कियां, हर एक के लिए आसान नहीं है स्टेप लेना। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बहुत हेल्प की, वो समझे मेरे उस्ताद थे, इस कंडीशन में भी वो मेरे उस्ताद थे, उन्हें मुझे तो इतना भी नहीं पता, मैं अपनी अम्मी के घर से अपने घर तक भी नहीं आ सकती थी, मुझे रास्ते भी नहीं पता थे। तरबियत है ये हमारे यहाँ की ना लड़कियों की, कि उनको स्कूल कॉलेज भी ड्रॉप किया जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे पीछे दुनिया में हो क्या रहा है। अब तो नेट आ गया है, नेट से काफ़ी अवेयरनेस है, वरना पहले तो देखें ये सब चीज़ें नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कैसी चीज़ें लेनी है, शॉपिंग कैसे करनी, कहाँ कोई चीज़ मिल रही है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई बताई। आपने जो बात की अपनी जगह, और हम लड़कियों को सही है बिल्कुल कि उसको उनको वो हुनर सिखाना चाहिए, उनको आगे जाना चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी की हम बात करते हैं, या आपके पास जो लोग खातिन आती हैं अपनी ज़िंदगी से आती हैं, बाहिम्मत से क्या मुराद है? ये मुराद है कि तुमने बस सुननी ही नहीं है शौहर की? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, तुमने तो अपनी करनी है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं नहीं मेरे कहने का बिल्कुल भी हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है। अगर मेरा कहने का मतलब ये होता तो सबसे पहले मैं ये स्टेप ले लेती, ठीक है ना, 18 साल से हुआ जी, बिल्कुल पहले मैं ये स्टेप लेती। मेरी मदर, मेरे हस्बैंड का, मेरी सास का जब स्वयं था तो मेरी अम्मी आई थी, और मेरे हस्बैंड की तो कंडीशन सुन के, और तो मुझे जो वर्ड्स उन्होंने कहे थे ना वो मुझे अभी भी याद हैं, और शायद उन्हीं वर्ड्स को लेके मैं यहाँ तक चली आई। उन्होंने कहा कि बेटा जो है जैसा है वो यही है, यहीं रहना है, जिस जो भी करना है आपने करना है, बच्चों को भी आपने देखना है, अब ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है आपको, आपने निभानी है। तो ये एक माँ का किरदार होता है, वो मुझे कह के गई तो मैंने उनको फॉलो किया, खानदान उन्होंने बनाया। बिल्कुल आपका खानदान कायम किया जी। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, सबके पास होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को एक औरत जब सपोर्ट करती है ना तो किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती। अच्छा वैसे बाकी भाई, मतलब आपने एक ऐसे वक्त में अपने शौहर के साथ खड़ी होगी जब बिल्कुल वो बिस्तर पे आ गए थे और बच्चे आपके बहुत छोटे थे। अच्छा हमारे माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ख्वातीन ने शौहर को छोड़ दिया और खुद चली गई, उस लम्हे क्या था, मतलब सोचा क्या था कि यार ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी है क्या करूँगी? कुछ समझ में ही नहीं आता था, सोचा कुछ भी नहीं था। हाँ लेकिन एक उम्मीद अल्लाह से रखी थी कि अल्लाह काम मैं करूँगी बरकत तू देगा, घर में अपना चलाऊंगी साथ तू देगा। बस अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, अल्लाह से मदद मांगें, आपकी नेक नियती है तो उसके वो रास्ते खुलते जाते हैं फिर आपके सामने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं, आपको लेके भी चलते हैं, और अल्लाह की मदद तो है ही, वो उनके थ्रू वो बंदे के दिल में डालता है तो कोई आपके पास आता है। अच्छा आपने जब वक्त आपने जो काम शुरू किया, जब कहते हैं कि औरत काम कारोबार में आती है तो उसको मर्दाना माशरे से बहुत मुज़ाहमत का सामना होता है। बिल्कुल होता है। क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? बस एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, आपको पता ही है, आप उसको कम तालीमी निज़ाम कह लें या कुछ भी कह लें, एक औरत को जो है हर जगह ही डिग्रेड किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसके करेक्टर को टारगेट किया जाता है। मुझे मेरे घर से आवाज़ आती थी कि जी ये तो मर्दों को देख के रोना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब इंसान इतनी मुश्किल में होता है ना और अकेले खड़ा हुआ होता है दो बच्चों के साथ, एक बीमार शौहर के साथ, तो उसको ड्रामा करने की सोचती नहीं है, उसका दिमाग ड्रामे की तरफ नहीं जाता, उसका सिर्फ
उसके पास ये होता है कि यार मैं अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर करके चलूँ। बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं। एक तो ख़वातीन को पहले ये कह दिया जाता है कि पता नहीं क्यों घर से निकलती हैं, कह नहीं सकते। अब एक खाना, मुझे ये भी कहा गया कि मैं तो घर बैठे बैठे कमा रही हूँ, घर बैठे बैठे मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता। पहले हमें ऑर्डर्स लेने हैं, फिर हमें अपना सामान अरेंज करना है, उसके बाद हमें उसको कुक करना है, फिर उसके 4-5 स्टेप होते हैं, उसके बाद हमें उसको पैक करना है, फिर डिलीवर करना है। फिर आप यकीन कीजिए, जब तक हमें सामने से एक पॉजिटिव आंसर नहीं आता ना, जब तक टेंशन रहती है कि यार हमारा ऑर्डर गया है, उन्हें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। तो कोई भी काम आसान नहीं है। वैसे इस माशरे में, बहरहाल हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इसमें खातून का काम करने का आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही है। अब आपने भी बहिम्मत औरत के नाम से जी इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेके हमने कहा ये हमें ये, क्योंकि बहिम्मत अल्फाज औरत के साथ जितना सूट करता है वो मुझे नहीं लगता किसी और के साथ सूट कर सकता है। नहीं खैर, हम तो मैं तो यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे मेरे सीनियर हैं, हमारे एडिटर हैं, जब मैं दुनिया अखबार में था, तो वो कहते थे एक बात कि यार औरत को अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी है ना, मर्द को नहीं दी। मल्टीटास्कर है औरत, तो हाँ मल्टी घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है, इन लॉज के साथ रही है, उनको भी देखती है। बच्चों को देख के मर्द नहीं संभाल सकता घर को, बिल्कुल नहीं। और लेकिन अल्लाह ने रखी है उसके अंदर सलाहियत, तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को अपनी सलाहियतें खुद पहचाननी चाहिए, अपनी शनाख्त खुद ढूंढिए, तो सामने वाला आपको पहचानेगा। सही है। अभी आप एक फेस्टिवल करने जा रही हैं जी, बहिम्मत औरत के नाम जी, इंशाल्लाह। उस फेस्टिवल में क्या होगा और कहाँ है वो जी? अभी तो वेन्यू हमने डिसाइड नहीं किया है, बट इंशाल्लाह हम जल्द अनाउंस करेंगे। और उसमें यही है कि ख़वातीन जो हैं वो आएँ, बल्कि फैमिलीज़ के साथ आएँ अपनी, वो एक हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट उन्हें दे सकें, और उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमसे शेयर करें, और जहाँ तक हो सका हम उन्हें हेल्प करेंगे। आप स्टोरीज भी शेयर करेंगे उनकी? हाँ बिल्कुल, ज़रूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की बातें पता होती हैं, तो हम वो कहते हैं ना कि जी शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जी बिल्कुल। तो कहाँ किसको क्या बात क्लिक कर जाए आप कह नहीं सकते। ये पहला फेस्टिवल होने जा रहा है आपका? नहीं नहीं, ये पहला फेस्टिवल नहीं है। 2022 में एक हमारा हुआ था नाजमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के पास ना, और वहाँ पर बहुत 15 दिन का फेस्टिवल था वो, और उसमें मेरे ख्याल से कोई 5,000 के करीब लोग जो है वो डेली का विजिट होता था, विजिटर्स हमारे थे, और बड़ा अच्छा फेस्टिवल रहा उसमें। कितने फैमिली दिन का फेस्टिवल? 15 दिन का था। 15 दिन फेस्टिवल चलता है जी। तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ हो वहाँ पर, फैमिलीज, ताकि वो फैमिली जो वहाँ आएगी, जहाँ बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलेगा। और हमारे यहाँ आजकल माहौल ऐसा हुआ हुआ है कि एक ऐसी जगह जहाँ आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हों और आपकी फैमिली वहाँ से खुश होके जाए, वो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। नहीं है, बिल्कुल ऐसी सहूलत ही नहीं है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो और वहाँ से अगर कोई आके स्टॉल लगा रहा है और वहाँ से अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा है तो बेस्ट। गुड, स्टॉल लेता है तो वो आपको उसके वो देता होगा जी, चार्जेस होते हैं उसके, बट बहुत माइनर चार्जेस हमने रखे हैं। और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कम कर दें। अमून किस चीज़ के स्टॉल रखते हैं? स्टॉल्स मुख्तलिफ होते हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, फूड स्टॉल्स है, और कुछ वो फेस पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, कोई मेहंदी का स्टॉल है किसी का। तो ये कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, बिजनेस है, वो एक जगह जमा हो जाता है, तो उससे लोगों को और आगे सीखने के लिए भी मिलता है और कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आगे बढ़ाए आपको इंशाल्लाह, और आपको देख के भी हिम्मत आती है कि माशाल्लाह। बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ किया आपने माशाल्लाह। बहरहाल आपकी स्टोरी सुन के हमें भी इंस्पिरेशन हुई है बहुत ज़्यादा, और उम्मीद है कि हमारी खातिन को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ उमर डिजिटल पे, और थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आप जैसी खातिन को हम चाहते हैं कि आप जैसे मेहमान आए हमारे पास, ताकि हम माशरे को अच्छा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मीडिया का एक काम ये भी है, लोग डिप्रेशन में जाएँ उससे बेहतर है कि लोगों को देख के सीखें। सीखें जी, तो ये बड़ी बात है। हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे आपके फेस्टिवल को भी कवर करें इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि ऐसे लोगों की सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का तरीक़ाकार सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके उनसे परचेज करने जा रहे हैं, बल्कि उनको उनके बारे में बात करना, उनके बारे में आगाह करना लोगों को, ये बहुत अहम सपोर्ट है।
और फिर उनसे इंस्पायर हों और आगे बढ़ें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन को और तरक्की दे, आगे बढ़ाए, और साथ में ऐसे जो भी मसाइल के शिकार लोग हैं उनको सहारा बने उनका। उमर डिजिटल के साथ रहिएगा, अपने राय का इजहार कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताइएगा कि आपको इवेंट, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।